बुधवार को बॉलीवुड में बड़ी हलचल देखने को मिली। अभिनेता सोनू सूद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के घेरे में आ गए हैं। बुधवार को अचानक आयकर विभाग के अधिकारियों ने सोनू सूद के घर धावा बोल दिया, जिसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने सोनू सूद के सिर्फ घर ही नहीं बल्कि 5 अन्य जगहों पर भी छापेमारी की। आईटी डिपार्टमेंट का ये सर्वे करीब 20 घंटे तक चला। कहा जा रहा है कि अकाउंट बुक में गड़बड़ी और टैक्स की चोरी के मामले में जांच करने के लिए आयकर विभाग की टीम ने सोनू के घर और उनकी कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आईटी अधिकारियों ने सोनू सूद के मुंबई और लखनऊ के कम से कम आधा दर्जन ठिकानों पर अकाउंट बुक्स, इनकम, खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की छानबीन की। हालांकि सर्वे के सही कारण की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। खास बात तो ये है कि 20 घंटे तक चली इस छापेमारी की कार्रवाई के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने सोनू सूद के ठिकानों से कुछ भी सीज नहीं किया है। आईटी विभाग की इस कार्रवाई पर सोनू सूद की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि सोनू सूद के आधा दर्जन ठिकानों पर आईटी सर्वे की खबर जैसे ही आम लोगों तक पहुंची, सोनू सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगे। बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में आगे आ गए। ट्विटर पर #IndiaWithSonuSood और #IStandWithSonuSood ट्रेंड करने लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोनू सूद का समर्थन किया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। इस कार्रवाई के खिलाफ सोनू के फैंस का गुस्सा भी फूटा। दरअसल सोनू सूद सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव है, तो बड़ी संख्या में आम लोग उन्हें फॉलो करते हैं। सोनू के समर्थन में एक के बाद एक फैंस ट्वीट करने लगे। एक फैन ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, कोरोना काल में वो लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे थे, दाने दाने को मोहताज थे। एक आदमी दिन रात एक करके लोगों की मदद अपनी जान की बाजी लगाकर कर रहा था। उसको पद्मश्री देने की जगह उसके घर आयकर के छापे चल रहे हैं। सच में बदल रहा है हिंदुस्तान। तो वहीं एक अन्य यूजर ने भी कुछ ऐसी ही बात कही। सोनू के उस गुस्साए फैन ने कहा कि सोनू सूद आईटी रेड के नहीं बल्कि पद्मश्री के हकदार हैं। वहीं कुछ फैंस ने तो सोनू सूद के खिलाफ की गई आयकर विभाग की इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बता दिया। आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से सोनू सूद लगातार COVID-19 के चलते लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों के इलाज से लेकर उन्हें नौकरी भी दिलवा रहे हैं। आम लोगों के बीच उनकी छवि मसीहा की बन चुकी है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को स्कूली छात्रों से जुड़े देश के मेंटोर प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हैरानी की बात ये रही कि आईटी डिपार्टमेंट की ये छापेमारी सोनू को देश के मेंटोर प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के कुछ ही दिनों बाद की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।